नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज न्यूज रूम लाइव के जरिए आपको दिखाएंगे हर एक खबरों का बारीकी से विश्लेषण। और सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के, और इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी। ये इस बीच एक बड़ी जानकारी है, जरा उसके बारे में आपको बताएं। श्री मनोहर लाल का दौरा है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दो दिवसीय रोहतक दौरा, कुछ देर में बीजेपी की प्रगति रैली में इस दौरान वो शामिल होंगे और साथ ही साथ प्रगति रैली को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री। इसके साथ रोहतक को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे मुख्यमंत्री और कल ई अधिगमन कार्यक्रम में टैबलेट भी बांटेंगे और 5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा दिया जाएगा। वही टैबलेट के साथ PAL प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो प्रगति रैली को संबोधित मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा, साथ ही साथ रोहतक को करोड़ों रुपए की सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाएगी और कल ई अधिगमन कार्यक्रम के तहत टैबलेट भी बांटे जाएंगे। तो यानी कि लोगों को बड़ी सौगात दी जाएगी और मुख्यमंत्री का जब ये दौरा रहेगा तो मुख्यमंत्री से बड़ी उम्मीदें रहती हैं और मुख्यमंत्री जनता की इन उम्मीदों पर खरा भी उतरने की कोशिश करेंगे। और जाहिर तौर पर जब वो पहुंचेंगे और इस दौरान रोहतक के लोगों के लिए अपना जो मुख्यमंत्री के पास जो पिटारा है वो लेकर के जरूर पहुंचेंगे और उसमें क्या क्या निकल करके सामने आता है जरा वो भी आपको बताएं। प्रगति रैली को संबोधित करते वक्त मुख्यमंत्री के द्वारा कई ऐसे बड़े ऐलान हैं, कई बड़ी घोषणाएं हैं जो मुख्यमंत्री के द्वारा की जा सकती हैं। साथ ही साथ रोहतक को करोड़ों रुपए की सौगात भी मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाएगी और कल ई अधिगमन कार्यक्रम के तहत टैबलेट बांटे जाएंगे। वहीं 5 लाख विद्यार्थियों को सरकार टैबलेट देगी और टैबलेट के साथ साथ PAL प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो कि इस दौरान दी जाएंगी, बड़ी सौगात जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा आम जनता को दी जाएगी। और रोहतक में लोग जो हैं बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार भी कर रहे हैं और जाहिर तौर पर जब मुख्यमंत्री शामिल होंगे, मुख्यमंत्री जब रोहतक में पहुंचेंगे तो उम्मीदें भी हैं और उन उम्मीदों पर क्या वाकई में जो उम्मीदें लगा करके बैठी है जनता, और जाहिर तौर पर ये बड़े जो कदम हैं वो इस दौरान उठाने की तैयारी है। तो रोहतक के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है और कल ई अधिगमन कार्यक्रम के तहत टैबलेट भी बांटे जाएंगे और 5 लाख विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा टैबलेट मिलेंगे और टैबलेट के साथ साथ जो प्लेटफॉर्म है PAL प्लेटफॉर्म वो भी उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि रोहतक के लोगों के लिए ये बड़ी खुशखबरी की बात है, बड़ी राहत भरी बात भी है कि बड़े ऐसे काम हैं जो कि इस दौरान किए जाने वाले हैं। साथ ही साथ प्रगति रैली को जब मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे तो उसमें रोहतक को करोड़ों रुपए की सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाएगी। अब कल ई अधिगमन कार्यक्रम के तहत टैबलेट बांटने का भी ये कार्यक्रम है जिसमें टैबलेट बांटे जाएंगे और 5 लाख विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा टैबलेट मिलने जा रहा है और टैबलेट के साथ साथ PAL प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया जाएगा। अब जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री जब रोहतक पहुंचेंगे तो रोहतक के लोगों के लिए कुछ ना कुछ सौगात लेकर के जा रहे हैं मुख्यमंत्री। आखिर क्या क्या बड़ी सौगात लेकर के जा रहे हैं वो भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और मुख्यमंत्री का दरअसल ये 2 दिवसीय दौरा है, इन 2 दिनों के बीच में मुख्यमंत्री रोहतक के लोगों के साथ सीधा 1-to-1 संवाद भी करेंगे। इस दौरान मंच के जरिए कुछ बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री के द्वारा की भी जा सकती हैं और कुछ ही देर में बीजेपी की प्रगति रैली भी है जिसमें मुख्यमंत्री जब पहुंचने वाले हैं पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर जनता को उम्मीदें हैं कि उनके लिए कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। और उन्हीं ऐलानों को लेकर के हम यहाँ आपको बता भी रहे हैं कि प्रगति रैली को जब संबोधित मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा तो रोहतक को करोड़ों रुपए की सौगात भी मुख्यमंत्री यहाँ पर देंगे। तो कल ई अधिगमन कार्यक्रम के तहत टैबलेट बांटने का ये पूरा कार्यक्रम है, 5 लाख विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा टैबलेट दिया जाएगा। और पॉलिटिकल एडिटर विपिन परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, 2 दिवसीय उनका ये दौरा, और जब मंच पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर जनता को भी बड़ी उम्मीदें रहेंगी। कुछ ऐसी बड़ी घोषणाएं जो कि मुख्यमंत्री मंच के जरिए कर भी सकते हैं और साथ ही साथ करोड़ रुपए की सौगात जो कि जनता के लिए समर्पित होगी। देखिए, लास्ट में सी बात है, मुख्यमंत्री का रोहतक दौरा आज से शुरू होगा, आज शाम को प्रगति रैली को संबोधित करेंगे। खासतौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जो है इस रैली में मौजूद रहेंगे और देखना ही होगा कि मंचासीन जो तमाम जो अतिथि हैं या फिर जो लोग वहां पर उपस्थित रहते हैं क्या कुछ संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से जो है आज की इस रैली में कहा जाता है। और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है शुभेंदु, क्योंकि कल जो है वो उन बच्चों को सौगात जो है वो मिलने जा रही है जो कि लगातार ऑनलाइन शिक्षा के माध्यमों का जो जिस तरह से विस्तार करने की बात करते हैं
5 लाख टैबलेट जो है वो ई अधिगम कार्यक्रम के तहत 10वीं और 12वीं के बच्चों को जो है वितरित करने का काम जो है वो सरकार की ओर से किया जाएगा। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जन्मदिवस भी है, इसी के साथ साथ टैबलेट के साथ साथ 2G फ्री डेटा और पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग परफॉर्मा जो है वो भी उपलब्ध जो है वो करवाया जाएगा। करोड़ों की सौगात आज जो घोषणा रोहतक में जो है मुख्यमंत्री कर सकते हैं, रोहतक के लिए देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री जब प्रगति रैली को संबोधित करते हैं तो उनके पिटारे से क्या कुछ सौगातें प्रदेश की जनता के लिए निकलती है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर प्रदेश की जनता के लिए बड़ी सौगातें हैं जो कि मुख्यमंत्री जब पहुंचने वाले हैं तो जाहिर तौर पर जनता को समर्पित भी करेंगे। विपिन, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन ये लगातार अपने दर्शकों तक बड़ी जानकारियां पहुंचा रहे हैं। प्रगति रैली को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे और साथ ही साथ रोहतक के करोड़ों रुपये की सौगात वहाँ के लोगों को मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाएगी। कल ई अधिगमन कार्यक्रम के तहत टैबलेट भी बांटे जाएंगे और 5 लाख विद्यार्थियों को इसका सीधे तौर पर फायदा मिल सकेगा।